अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मटर पनीर, वो भी बिल्कुल हलवाई की तरह से, और ये बहुत आसानी से बन जाएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिए हैं 3 टमाटर, 2 प्याज, अदरक, लहसुन और 2 हरी मिर्च। टमाटर को मैंने थोड़े से पानी में उबाल लिया था ताकि इसका छिलका ये आसानी से उतर जाए, और ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। इस तरह से हम टमाटर का छिलका हटा देंगे, और ये प्याज को मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है, और साथ ही ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च को मैंने दरदरा सा पीस लिया है। और चलें अब हम रखते हैं कढ़ाई। कढ़ाई में मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून जितना वेजिटेबल ऑयल, और इस प्याज को मैं पिंक कलर का होने तक पकाऊंगी ताकि ये इसकी सारी परतें अलग हो जाएं। और मैं इसे 0 आँच पर ही पकाऊँगी, मुझे इसे गोल्डन बिल्कुल भी नहीं करना है। और इसे चलाते हुए लगातार चलाते हुए पकाएंगे, क्योंकि इसमें तेल थोड़ा कम है, और अगर हम नहीं चलाएंगे तो ये नीचे से लग जाएगी और जल जाएगी। और देखेंगे सारी इसकी परतें हट गई हैं, और जो नहीं हटी हैं मैं इसको थोड़ा सा दबा के इसको अलग कर दूंगी। इस तरह से लगातार चलाएंगे, ये 3 से 4 मिनट में आसानी से हो जाएगी। हमें इसका कलर बिल्कुल भी डार्क नहीं करना है, बस इस तरह से ही हमें इसे पकाना है। और ये लगभग हो चुकी है, तो अब हम इसे ठंडा करके मिक्सी के जार में निकाल लेंगे इसको। और इसी प्याज में हम ये जो हमने टमाटर को उबाला था और इसके छिलके हटाए थे, वो भी हम इसमें ही डाल देंगे। और ये लिए हैं मैंने मगज़, आप चाहें तो इसकी जगह काजू भी ले सकते हैं, 1 टीस्पून जितने थे ये, और मैंने इसे भिगो दिया था। मैं इनको भी इसके साथ ही पीस लूँगी, टमाटर प्याज और मगज़ का पेस्ट बना लूँगी। तो चलिए अब हम कढ़ाई में 1 चम्मच भर कर वेजिटेबल ऑयल डालेंगे, और इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जितना ज़ीरा। और जैसे ही ये थोड़ा सा चटकने लगेगा तो मैं इसमें डाल दूंगी अदरक लहसुन और जो मिर्च का पेस्ट बनाया था हमने, वो इसमें डाल देंगे, और इसे थोड़ा सा चलाते हुए हमें इसमें पकाएंगे। और साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून जितना पानी डाल दूंगी ताकि ये जले नहीं, और ये डाल के भी मैं इसमें अच्छे से इसे पका लूँगी 1 से 2 मिनट के लिए। सबसे मेन ट्रिक होती है कोई भी सब्ज़ी बनाने की कि हमें उसका मसाला अच्छे से भूनना और पकाना होता है, उसके फ्लेवर हमें सारे निकालने होते हैं। तो हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे चलाते हुए पका लेंगे ताकि तेल में लहसुन अदरक और मिर्च का सारा फ्लेवर आ जाए। और अब इसके साथ ही मैं डालूँगी ये 1 टेबल स्पून जितना मावा था खोआ, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया था, और मैं इसमें डाल दूंगी, और जो थोड़ा थोड़ा साबुत रहेगा वो मैं ऐसे चम्मच की मदद से तोड़ दूंगी। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसमें मटर पनीर में, हलवाई ये ज़रूर डालते हैं। और थोड़ा इसमें पानी डाल दूंगी साथ में ताकि ये नीचे चिपके नहीं और अच्छे से मेल्ट हो जाए। और इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसमें पका लूँगी, और ये लगभग हो चुका है। तो मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, इसको मिला दूंगी, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। आप जब भी हल्दी और मिर्च तेल में डालेंगे ना, तो आपकी सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा कलर आने वाला है, और ये बहुत ही देखने में अच्छी बनेगी। मैं तो हमेशा ही इस तरह से डालती हूँ। और इसको थोड़ा सा चला देंगे ताकि इसका कलर और निखर जाए। और ये वही पेस्ट है टमाटर प्याज और मगज का पेस्ट जो मैंने बनाया था, वो मैं इसमें डाल दूंगी, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के वो भी इसमें मैं डाल दूंगी ताकि ये जो इसमें मसाला लगा रह गया है ये वेस्ट ना जाए। और इसे लगातार चलाते हुए मुझे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए भूनना होगा। मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भूनती जाऊँगी और दिखाती जाऊँगी आपको। ये देखें मसाला भुन रहा है, और मैं इसे लगातार चलाते हुए भून रही हूँ। और जब छींटे उड़ती हैं ना, तो मैं इसमें ढक्कन रख देती हूँ 0 आंच करके। आप ये नमक डालेंगे, आप नमक हमेशा अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। इसको भी इसमें मिला देंगे, और इसके साथ ही ये डालूँगी मैं रेगुलर लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें धनिया डालूँगी। धनिया को मैं इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालूँगी, नहीं तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो डाल देते हैं 1/2 टीस्पून धनिया का पाउडर, इसमें शामिल कर देंगे। इसको भी इसमें अच्छे से मिला के पका लेना है। थोड़ी देर के लिए हमें इस मसालों को भी भूनना होगा।
और ये है किचन किंग मसाला। आप चाहें तो किचन किंग मसाला डालें या कोई भी पनीर का आप मसाला लेके इसमें 2 चम्मच भर के डाल दें, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आ जाएगा, बहुत ही अच्छा। आप ज़रूर डालें इसको, किचन किंग मसाले को, और नहीं तो पनीर का कोई भी मसाला आप लेके इसमें डाल सकते हैं। इसको डाल के इसमें अच्छे से हमें भूनना होगा। जब तक हमारा मसाला अच्छे से भुनेगा नहीं, हमारी सब्ज़ी में कोई भी टेस्ट नहीं आएगा। और ये मैंने ली थी कसूरी मेथी, इसको मैंने गरम तवे पे डाल के थोड़ा सा सेक लिया था, इससे ये काफ़ी अच्छे से ड्राई हो गई है और हाथों से अच्छे से मसल रही है। वो भी इसमें मिला दूँगी और चला दूँगी, ये थोड़ी सी बची है वो भी मैं इसमें ही डाल दूँगी। और इसको हम इसमें अच्छे से मिला देंगे और डालेंगे 1 पिंच हींग। और इन सब मसालों को हमें बड़े अच्छे से भूनना होगा। जब तक हमारे मसाले भुनेंगे नहीं, हमारी सब्ज़ी में कोई भी टेस्ट नहीं आएगा। और देखिए मसाला हमारा कितने अच्छे से भुन गया, और इसमें अभी से ही कलर कितना अच्छा आ रहा है। तो चलें इसे थोड़ा सा और भूनते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसे भूनूंगी, 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसे भून लूँगी। और ये बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, जब मैंने इसमें ये डाली थी ना कसूरी मेथी, इससे बहुत ही अच्छी। और ये दूध की उतरी हुई मलाई है, मैंने इसे चम्मच से बीट कर लिया था, 1 कटोरी वो मैं इसमें डाल दूँगी, इससे बहुत ही अच्छा क्रीमी टेक्सचर और फ्लेवर आ जाएगा। इसको अच्छे से मिला देंगे और इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए हमें इसमें पकाना होगा, ताकि ये सारे मसाले में घुल मिल जाए, ऐसा ना हो कि क्रीम अलग दिख रही है और मसाला अलग हैगा, सारा मसाला क्रीमी सा हो जाएगा हम जब इसे अच्छे से मिला देंगे। और ये थोड़ी सी बच गई थी वो भी मैंने इसमें ही डाल दी है। और देखें कितना अच्छे से हमारा मसाला। और ये मैंने मटर इसमें डाल दिए, अगर आप हरे मटर डाल रहे हैं इस टाइम पे तो आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए इसको उबालने के बाद डालें। मैंने ये फ्रोज़न मटर डाली है तो मुझे उबालने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें अच्छे से मिला दूँगी। और साथ ही ये मैंने 250 ग्राम पनीर को क्यूब में काट लिया था, वो भी मैं इसमें ही डाल दूँगी। और अब इसको थोड़ा सा मिला देंगे। आप चाहें तो ग्रेवी पतली रखें या गाढ़ी रखें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये मेरे यहाँ ये ज़ीरा राइस और तवा नान से खाया जाता है, तो मैं इसमें थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा रखूँगी। आप चाहें तो बिल्कुल लिपटा लिपटा और सूखा भी बना सकते हैं। अच्छे से मिलाने के बाद, और अब इसे मैं कवर करके मीडियम आँच पर 5 से 7 मिनट के लिए पकाऊँगी। और देखें ये हमारी सब्ज़ी हो चुकी है बिल्कुल रेडी, और इसमें डाला है मैंने फ्रेश हरा धनिया। तो आप इसको ज़रूर बनाएं और बताएं ये आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।